हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह का जो व्लॉग है वो मैं अपने किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में अभी ब्रेकफास्ट रेडी करने। आज ब्रेकफास्ट में बहुत इजी रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ, वो है ब्रेड टोस्ट विद जैम। बस यही मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। टोस्ट के साथ एक बनाना ले रही हूँ एंड ऑल्सो विथ हॉर्लिक्स। बस ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगी शावर लेने, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम शताब्दी। कैसे हैं आप लोग? आशा रखती हूँ कि सब लोग अपने घरों पे सेफ और सुरक्षित हों। आज सुबह से मैंने आपके साथ ब्लॉग स्टार्ट किया था, मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह वो सब भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अभी मेरा नहाना कंप्लीट हो चुका है, घर के सारे काम कंप्लीट मैंने कर लिया है जल्दी जल्दी। आज थोड़ा सा धूप निकल आया है तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं जो मतलब सूख नहीं रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता ना, एक स्मेल जैसी आती है। तो धूप आया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल दिया। एक्चुअली इतने दिन बारिश 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 के वजह से, सुबह में भी बहुत ज़्यादा बारिश था, लेकिन इट्स अबाउट साढ़े दस बजे से एक हल्का सा धूप निकल आया है, और अभी तो धूप है, चट धूप रहे आज तो मेरी सारे कपड़े जो है वो सूख जाएंगे जल्दी जल्दी। और अभी मैं जाऊंगी लंच प्रिपेयर करने। आज का लंच, आज लंच में मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली बात ना करके तो चलिए चलते हैं, क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा है लंच का प्रिपरेशन करना। तो मैं चलती हूँ किचन अभी, और आप भी मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन के बाजू में एक बेल आइकन है, प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप मेरे सारे वीडियोस को एंजॉय कर पाओ। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है और किचन का काम भी तो करना है ना। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ये तो इम्पोर्टेंट काम है, करना तो पड़ेगा। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में। तो किचन में प्रिपरेशन कर रही हूँ लंच के लिए। एक तरफ मैंने पम्पकिन फ्राई बैठा दिया है, पम्पकिन फ्राई हो रही है, और एक तरफ चावल की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, अभी चावल भी चढ़ा दूँगी। मेरे लिए सब्जी काटना बहुत बड़ा टास्क है, इसीलिए मैं दूसरी तरफ दूसरी सब्जियों को भी काट ले रही हूँ। ये एक अलग सब्जी बनेगी, तो जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ सब कुछ। सो गाइज, ये है आज का मेरा लंच का मेनू। ये है मसाला भिंडी, इसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये फिश फ्राई है, ये है फिश एग का फ्राई, काइंड ऑफ मतलब मछली का जो अंडा होता है उसको ही एकदम ड्राई ड्राई काइंड ऑफ इसको फ्राई कर दिया है, और ये है पम्पकिन फ्राई। बस इससे हम आज लंच करेंगे विथ राइस। तो चलिए लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ अभी बेडरूम में। मेरा लंच वगैरह कंप्लीट हो चुका है। लंच करने के बाद ना कोई भी लाइक हाउस होल्ड का कोई भी काम करना मुझे पसंद नहीं आता है। लाइक कुछ भी हाउस होल्ड का जो भी काम होता है, मैं वो ड्यूरिंग लंच तक ही मैं सीमित रखती हूँ, कि सुबह से लेके जो भी हाउस होल्ड का काम वगैरह है मैं सुबह तक ही कंप्लीट करना पसंद करती हूँ। उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद और मन ही नहीं करता है कि ये सब काम करूँ। कुछ भी अलग काइंड ऑफ काम हो, लाइक कुछ लिखना पढ़ना हो या कुछ क्रिएटिव काम हो, वो मैं आराम से कर सकती हूँ, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये हाउस होल्ड का काम वगैरह रहता है वो मुझे पसंद नहीं आता है। आफ्टर लंच जो है एक रिलैक्स टाइम होता है, उस टाइम पे आप मी टाइम स्पेंड कर सकते हो अपना, कुछ भी क्रिएटिव काम हो आप वो कर सकते हो, कुछ अगर आप कुछ पढ़ना चाहो, लिखना चाहो, कोई भी आपका इम्पोर्टेंट काम है मीन्स पर्सनल रिलेटेड, वो आप कर सकते हो, राइट। हाउस होल्ड काम का मतलब उस टाइम पे और मन नहीं करता है कि मैं कुछ करूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें लिखना है तो मैं अभी वो करूँगी बैठ के, क्योंकि अभी घर पे हो गया है बहुत टाइम, लाइक 2:30 हो चुका है,
चुका है। तो बस आप लोगों से भी मैंने आज शेयर किया कि मैंने आज क्या क्या बनाया था, कैसा लगा आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कुछ यहाँ पे अपना पर्सनल रिलेटेड काम कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नोट कर रही हूँ। ये मेरा एवरीडे बेसिस में ही पड़ता है। कुछ टाइम मैं अपने साथ बिताती हूँ जहाँ पे मैं नोट्स वगैरह कुछ बनाती रहती हूँ, तो यही मैं बना रही थी। लंच आपके साथ मैंने बात किया था थोड़ी बहुत, उसके बाद मुझे इतना मतलब तबीयत थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लग रहा था, थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा था, तो मैं सो गई थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ा सा पेन कर रहा था, सर थोड़ा सा दर्द कर रहा था, डोंट नो क्यों, लेकिन शायद ऐसे ही। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक हल्का सा लाइक हाफ एन आवर टू वन आवर का एक नैप ले लिया, उसके बाद मैं जगी हुई ही थी। फिर सन आरती वगैरह सब कुछ रहता है, तो शाम को वो सब ख़त्म कर लिया, तो थोड़ी देर बाद आई हूँ मैं अभी किचन में। अभी एग्जैक्टली शायद से 6:30 PM हो रही है घड़ी पे, तो चाय बना लूँ झटपट, थोड़ा सा लेट भी हो गया है क्योंकि इतना लेट हम चाय नहीं पीते हैं, कभी कभार लेट हो जाता है, बट ठीक है कोई नहीं, अभी तो लॉकडाउन है, कुछ करने को नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट लेट ही जा रहा है सब कुछ। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ। सो चाय मैं अदरक से बनाऊंगी, एक हाफ इंच का अदरक ले लिया है। अदरक इज ए वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर, ये आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग करता है अदरक, तो इसीलिए मैं अदरक दे रही हूँ आज चाय पे। जनरली मैं चाय सादा कभी नहीं बनाती हूँ, मेरे घर पे सादा चाय नहीं होता है, या तो कोई ना कुछ मसाला जरूर डलता है चाय पे, लाइक अदरक हो गया या इलायची का पाउडर हो गया या फिर काली मिर्च का पाउडर हो गया। खास करके काली मिर्च का पाउडर ही मैं देती हूँ, क्योंकि है ना गले पे थोड़ा सा तीखापन लगता है, तो जो गला है वो ठीक ठाक रहता है काली मिर्च के पाउडर से। और अदरक मैं कभी कभार दे देती हूँ, आज मैं अदरक दूंगी चाय पे। तो बस अदरक को मैं कूट लेती हूँ, उसके बाद दे के चाय बना देती हूँ फटाफट। सो अभी घर पे 7:45 हो चुका है, मैं चाय लेके बैठी हूँ, तो चाय पीऊँगी। आज रात का डिनर सॉर्टेड है बिल्कुल, क्योंकि मैंने आज आपको दिखाया था ना जो लंच प्रिपरेशन मैंने किया था, उसमें मसाला भिंडी जो है वो है मेरे पास, वो रह गया है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं सिर्फ रोटी बनाऊँगी। रोटी का आटा भी गूंदा हुआ है, जस्ट मुझे बेलना है और सेकना है रोटी को, तो इसीलिए आज रात का डिनर सॉर्टेड है मेरा, कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का झंझट नहीं है मेरे पास, हो जाएगा। और पता है मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, शाम को लाइक इवनिंग को, ऐसे तो अभी तो लॉकडाउन है, इवनिंग 4 बजे ही जो हमारा ग्रिल है ना वो लॉक करके रख देते हैं, जाना तो है नहीं कहीं पर, ग्रिल लॉक करके रख देते। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, अभी 7 बजे वो ग्रिल लॉक करने गए, तुम चाय लेके बैठो मैं ग्रिल लॉक करके आता हूँ। शाम के 7 बजे कौन ग्रिल लॉक करता है, बट मेरे घर में आज थोड़ा सा लेट हो गया। ये प्रोसेस जो है वो इवनिंग को ही कंप्लीट हो जाता है, कभी कभार तो उनका ऐसा वो होता है कि सुबह के 1:30-2 बजे भी लॉक कर लेते हैं, मतलब शाम के दोपहर के 1:30-2 बजे लॉक कर लेते हैं। अभी खाना वाना लंच वंच हो गया ना, अभी बाहर जाने का तो कोई सवाल नहीं है, लॉक कर देता हूँ, तो लॉक कर देते हैं, तो मेरा भी झंझट ख़त्म, मैं मुझे और बाहर का काम निपटाना नहीं पड़ता है। तो बस चाय पी लेती हूँ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे पी। ओके सो
मैं ये वाला नाइस जो बिस्किट है, मुझे ये बिस्किट बहुत पसंद है। आप देख पा रहे हो, ब्रिटानिया का नाइस बिस्किट है। ब्रिटानिया का नाइस, आप समझ पा रहे हो शायद। मुझे ये वाला बिस्किट ना बहुत पसंद है चाय के साथ। मुझे थिनर रूट जो बिस्किट आता है ना ब्रिटानिया का, मुझे वो भी बहुत पसंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये काइंड ऑफ बिस्किट, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा और एक फेवरेट बिस्किट है, वो है वो डायबिटिक वाला बिस्किट आता है ना, वो स्क्वायर शेप का, उसका नाम क्रैकर्स, क्रैकर्स। मुझे वो क्रैकर्स बिस्किट ना, आप मुझे बिना चावल, बिना रोटी, कुछ भी, बिना वो सब का वो क्रैकर्स दे दो, मैं पैकेट के पैकेट में खा सकती हूँ, इतना टेस्टी लगता है। लेकिन लोग तो ये क्रैकर्स तो उठाते ही नहीं है। जो डायबिटिक पीपल है, जो डायबिटिक पेशेंट है, उन लोग शायद ही वो खाते हैं, फिर भी नाक सटकाते हुए खाएंगे शायद, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लगता है। चॉइस है अपना अपना, है ना। गाइज पता ही नहीं चलता है ना कि दिन कैसे गुजर जाता है, लाइक सुबह से लेके रात कैसी हो जाती है पता ही नहीं। आपको बिजी रखती हूँ, आप लोगों के साथ बात करती हूँ, घर का इतना सारा काम रहता है, पर्सनल बहुत सारे काम रहते हैं जो आपको करनी होती है एवरीडे बेसिस में, खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो उस वजह से देखते ही देखते रात के 12 बज जाते, कभी कभी 1-2 हो जाती है सोते सोते। तो लाइक बिजीनेस ऐसा हो गया है हमारा लाइफ कि लॉकडाउन भी रहे फिर भी हम बिजी रहती है। हम लेडीज तो और भी ज़्यादा बिजी रहती है क्योंकि सारा घर हमारा हम पे ही चलता है, अगर हम ना हो तो ये घर तो चलेगा नहीं। ये सब लेडीज को मेरी ओर से सैल्यूट। इस वजह से आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींच रही हूँ। आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे आगे आने वाले वीडियोस को और ज़्यादा प्यार दीजिएगा। बस मैं फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और पानी ज़रूर पीजिएगा। गर्मी का सीज़न है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। बस तब तक के लिए लव यू सो मच, बाय गाइस।